उल्ला थाना क्षेत्र के न्यू राजेंद्र नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास तीन बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने एक किशोर पर एसिड से हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में करण निषाद, सतीश पंड्रिया व इंद्रा बंजारे हैं। तीनों आरोपी राजेंद्र नगर उल्ला के रहने वाले हैं। एक एसिड अटैक का मामला सामने आया था उल्ला थाना क्षेत्र में, जिसको काफ़ी हमने गंभीरता से लिया और इसमें लगातार पूरी हमारी उल्ला पुलिस की टीम और हमारी स्पेशल टीम लगातार इसमें लगी हुई। इसको इस मामले का हम लोगों ने 13 घंटा में हम खुलासा कर रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें मोहल्ले के लड़के के बीच में ही आपस में एक महिला के साथ बातचीत को लेकर विवाद था। इस पर से बदला लेने की नीयत से उन्होंने कहीं से एसिड अरेंज करके इन लोग अपने साथ मोहल्ले में बैठे हुए थे, तो तीनों लड़के आके अपने आप को छुपाने के लिए नकाब भी पहने हुए थे, एक मोटरसाइकिल से आए थे और इन्होंने एसिड फेंक के चले गए थे। और इसकी जानकारी जब प्रार्थी पक्ष ने जब हॉस्पिटल में गए ट्रीटमेंट के लिए, तब हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला कि इनके ऊपर एसिड से अटैक हुआ है करके। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, इसमें तुरंत FIR करके इसमें सभी पहलुओं पे हम लोगों ने जांच किया। इसमें आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाला और वहाँ का टावर डंप भी लिया और कुछ सस्पेक्ट और जो प्रार्थी हैं उनकी बातचीत से कुछ बातें सामने आई और इस पर से तीन लोगों को हमने इसमें हिरासत में लिया। तीन लोगों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया है और तीनों के खिलाफ थाना उर्ला में IPC की धारा 326A के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फिलहाल तीनों आरोपियों का भी हम लोग जुडिशियल रिमांड पे न्यायालय पेश करेंगे और भी इसमें हम लोग पूछताछ करें कि इनको एसिड वगैरह कहां से उपलब्ध हुआ। अगर वो भी अगर मान लो कहीं गलत ढंग से अगर इन लोगों ने प्राप्त किया तो उसके खिलाफ भी निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।